स्वागत है हमारे चैनल क्लासिक मोटर्स पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एमजी की कॉमेट ईवी। मतलब भाई सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, वैसे गाड़ियों में भी सबसे छोटी कार है। यहाँ पे देख ही सकते हो किस तरह की कार मिल जाती है एमजी कॉमेट। यहाँ पे देख सकते हो एलईडी लाइट मिल जाती है आपको आगे की ओर, यहाँ से आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन, लेकिन कैमरा नहीं है। बाकी इसके अंदर आगे की ओर आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है, फॉग लैंप भी मिल जाता है आपको। देख ही सकते हो ये ब्लैक कलर के अंदर है गाड़ी, मतलब छोटी वाली, सबसे छोटी वाली ब्लैक माफिया कार। तो यहाँ पे ओआरएम के अंदर आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। और साइज़ देख लो इसकी, 3000 mm से भी छोटी गाड़ी है, मतलब समझ सकते हो कितनी छोटी होगी। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह देख, टायर साइज़ देख लो, मतलब 145/70 12 इंच के एलोएस आपको मिल जाते, मतलब सिर्फ 12 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब छोटी सी गाड़ी, लेकिन 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो बिल्कुल बुरी बात नहीं है। और भाई नैनो से भी छोटी गाड़ी है, मतलब देख सकते हो आप कितनी छोटी लगती है। और पीछे भी देख लो, कनेक्टेड टेल लाइट आपको मिल जाती है पीछे की ओर, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है पहले ही बोला मैंने आपको, बाकी बाहर की ड्रेस में आपको देता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड लाइट देख लो, पीछे की टेल लाइट्स, और कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है आपको इस गाड़ी के अंदर। मतलब बहुत ही छोटी मोटी गाड़ी है, मतलब छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है समझ लो। तो चलो बाहर की इन्फॉर्मेशन में आपको दे देता हूँ इस गाड़ी की। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी है 17.3 kW, तो आप देख सकते हो इतनी छोटी सी गाड़ी में इतनी है। बाकी इसकी रेंज की बात करते हैं, मतलब माइलेज की, तो एक चार्ज पे 230 km की इसकी माइलेज क्लेम कर दी है कंपनी। और इसको 7 घंटे तक हमें चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके चार्ज होगी। बाकी 40 bhp इसकी पावर है, 110 Nm इसकी टॉर्क है। और प्राइस की बात करते हो, प्राइसिंग अभी आई है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है 8 lakh जितनी प्राइस होगी इस गाड़ी की। मतलब इस छोटी सी गाड़ी की प्राइस थोड़ी हाई लग रही है मुझे तो, लेकिन फिर भी सबसे सस्ती चीपेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी इसको बोला जा रहा है। बाकी भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और कार रिव्यूज़ के लिए। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा वाला डोर आगे की ओर आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस वगैरह मिल जाती है। तो भाई पीछे की ओर सीट्स फोल्ड करके रखिए, मतलब 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। भाई क्या ही बात हो गई। तो चलो बाकी सब बाद में, अब अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, मतलब छोटी सी गाड़ी के अंदर। चलो देख लेते हैं। आ चुका हूँ मैं सबसे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है एमजी की कॉमेट ईवी, जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुई है हमारे इंडिया के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है। 10.25 इंच की डिस्प्ले है, मतलब ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप है इसके अंदर। आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्लस्टर का डिजाइन वगैरह, यहाँ पे देख सकते हो कार वगैरह दिख जाती है। भाई ये बिल्कुल एक छोटी सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बैठने में तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़, मतलब भाई यहाँ पे USB का पोर्ट मिल जाता है। भाई काफ़ी लोगों ने देखा है, नहीं देखा है इस तरह का है कुछ। और यहाँ पे भी आपको मिरर वगैरह मिल जाता है, और साइड में यहाँ पे भी देख लो कुछ इस तरह से मिरर आपको मिल जाएगा। बाकी बात करें डैशबोर्ड के डिज़ाइन की, भाई यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आपको मिल जाता है। तो देखो भाई ग्लोव बॉक्स नहीं खुलता है इसके अंदर, और यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इस इवेंट्स के बिल्कुल सामने आपको दो दो कप होल्डर मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख लो विंडोज, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो। ये देख लो कुछ इस तरह से विंडो आपकी अप डाउन हो जाती है। और यहाँ पे डोर ऑन ऑफ, मतलब लाइट है। और पार्किंग लाइट्स देखो, कहाँ पे पार्किंग लाइट का बटन दिया गया है देख लो। और भाई देखो ये गाड़ी छोटी सी है, फिर भी कुछ इस तरह से आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, भाई चलाने तो बिल्कुल कंफर्टेबल लग रही है। और ऊपर से व्यू भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है आपको। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देख लो भाई, सारी की सारी सिस्टम डिस्प्ले के अंदर ही सेट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले में आपको दिखा रही है आपकी कार रेंज वगैरह। तो इसकी रेंज 230 km की है, तो बिल्कुल भी बुरी ही नहीं है। यहाँ पे देख लो भाई कुछ इस तरह से आपको साइड में एंड्रेस वगैरह मिल जाता है। और भाई डोर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि देख लो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ये ऑटो गेरी है, तो बस एक क्लच और ब्रेक है, और यहाँ से आप बदल सकते हो। और यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं दिया गया है, आराम से आप बैठ के चला सकते हो गाड़ी को। और यहाँ से आप अलग अलग ड्राइविंग मोड को चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। और AC वगैरह देख लो, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो USB का पोर्ट मिल जाता है, दो दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, और दो दो हुक आपको इस तरह से इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, तो कुछ सामान भी आप लगा सकते हो। तो बंद कर देता हूँ मैं इस हुक को, तो देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ सामान रखना हो तो रख सकते हो। पीछे जाके भी दिखाऊंगा, अभी पीछे सीट फोल्ड की गई है, लेकिन आपको दिखाना भाई मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इको मोड के अंदर है अभी के लिए गाड़ी। और स्टेयरिंग भी देखो कितना छोटा है भाई, तो अच्छा खासा स्टेयरिंग है। तो अगर आपको ऐसा है कि सिटी के अंदर ही घूमना है अकेला, तो ये गाड़ी ले सकते हो, बाकी फैमिली के लिए ये गाड़ी कंसीडर नहीं की जा सकती है। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीट थोड़ी छोटी लग रही है मुझे।
तो यहाँ पे थाई सपोर्ट मुझे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोटी सी गाड़ी है, चलाने में मज़ा आएगी, इलेक्ट्रिक कार है और इसकी प्राइस रेंज मतलब 8-8.5 लाख तक की है। तो अगर प्राइस में कोई दिक्कत ना हो तो बिल्कुल ले सकते हो। बाकी भाई बहुत सारी गाड़ी के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और की देख लो भाई, की मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है भाई। वो एप्पल का कुछ सामान वाला एयरपोर्ट्स वगैरह रखे हो, इस तरह से की आपको मिल जाती है, ऐसे बूट भी ओपन हो जाती है। मैं सबसे पहले आपको पीछे जाके दिखाता हूँ, पीछे मुझे सीट पहले खड़ी करनी पड़ेगी। चलो चलो मैं आपको पीछे जाके दिखा देता हूँ। तो भाई आ चुका हूँ मैं इस गाड़ी में पीछे की ओर, तो पीछे ऐसे लग रहा है कि टू सीटर गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ मैं, क्योंकि ये वैसे टू सीटर गाड़ी है। क्या बात कर रहा हूँ मैं भी भाई, शायद नींद में होगा। तो भाई चलो मस्ती कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरह की लुक वगैरह मिल जाती है इस गाड़ी की, और पीछे से ही आप इसको आगे से सीधा कर सकते हो और स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे की ओर थाई सपोर्ट मतलब, तो देख लो कुछ इस तरह से आप बैठ सकते हो पीछे की ओर। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि देखो भाई कंफर्टेबल है, अगर बच्चे बच्चों को बिठाना है पीछे की ओर तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर आप बड़े हो तो बिल्कुल पीछे कुछ इस तरह से बैठना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर हो जाता है। फिर भी गाड़ी बहुत ही अच्छी बनाने का ट्राई किया है इन्होंने, और यहाँ पे पीछे भी आपको ग्रे पैनल वगैरह मिल जाता है और कुछ इस तरह की विंडो मिलती है भाई पीछे की ओर, क्योंकि आगे का दरवाज़ा बहुत ही बड़ा बनाया गया है, आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह का आपको डोर वगैरह मिल जाता है, तो पीछे एक और जन आसानी से बैठ सकता है। लेकिन अगर सीट्स को फोल्ड नहीं किया तो पीछे की बूट आपकी नहीं बनती है, ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल सीट को फोल्ड करना पड़ेगा तो ही आपको बूट स्पेस मिलेगी, और दो जनों के लिए ये कार परफेक्ट कार है। तो आपको कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। तो कुछ इस तरह से ये सबसे छोटी सी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है एमजी कॉमेट ईवी, पीछे आपको कुछ इस तरह का हॉर्न सुनने को मिल जाता है अगर आपका दरवाज़ा खुला रह जाएगा तो देख सकते हो कुछ इस तरह की गाड़ी है, कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बता देना, और भूले भी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई कार के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।